नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के लालकुआ में जिला प्रशासन की बैठक। आज लालकुआ में नगर पंचायत के सभागार में जिला प्रशासन ने तमाम विभागों की बैठक ली, जिसमें जल निगम, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग, दुग्ध संघ, पुलिस विभाग और तमाम विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक का उद्देश्य गर्मी के इस मौसम में जहाँ COVID-19 से लोगों को बचाना और डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ना है, इस बैठक का उद्देश्य यही था कि उप जिलाधिकारी विवेक राय ने सभी विभागों के लोगों से एक सप्ताह के अंदर काम करने की बात कही। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। सामना कर रहे हैं COVID-19, उसके परिप्रेक्ष्य में जब मानसून आया तो ये महसूस किया गया कि हम जल जनित बीमारियों से और मलेरिया, मच्छर जनित बीमारी कह लीजिए, उनसे जो है हर वर्ष उसका भी सामना करते हैं। उससे निपटने के लिए एक कार्य योजना बना ली जाए, लोगों की सुझाव आमंत्रित कर लिए जाएँ। इसके संदर्भ में आज हमने जो है एक बैठक की, जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में की, सभी विभागों से, जनप्रतिनिधियों से, मीडिया से सुझाव प्राप्त किए हैं। उसके अनुसार एक निर्णय पर पहुँचे हैं कि किस विभाग को इन चीज़ों को रोकने के लिए किस तरीके से इफेक्टिव रूप में कार्य करना है। ये कार्य लोगों को बता दिए गए हैं, इसको लिखित रूप में भी आदेशित कर दिया जाएगा और 15 दिन बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, विभागवार समीक्षा की जाएगी, सामूहिक समीक्षा की जाएगी। अगर कोई विभाग लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में भी निर्णय लेने में गुरेज नहीं किया जाएगा। विभाग को कि अपने कार्यालयों में साफ़ सफाई कर लें, झाड़ी कटान कर लें, कार्यालय की नाली आदि साफ़ कर लें, वहाँ पर पानी कहीं इकट्ठा तो नहीं इसको देख लें। साथ ही यह भी इनसे अपेक्षा की है कि हर सप्ताह शनिवार को 2 से 3 सफाई अभियान अपने कार्यालय में चलें।